मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन अलग अलग जगहों पर आग लगने से पूरे शहर की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। यह आग शनिवार रविवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तीन स्थानों पर लगी है। यह कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। सवाल ये उठता है कि किस असामाजिक तत्व और शरारती तत्व का ये काम है। भारत माता चौराहे के पास बस डिपो में दो लाल बस आग लगने से खाक हो गई। चूना भट्टी चौराहे पर करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन जल गए। और सबसे बड़ी बात, गोविंदपुरा में दो दिन पहले जिस गुटखा फैक्ट्री के एक कार्यालय को ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर सील किया था, वो भी पूरा जल गया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तीन स्थानों पर आग लगी। आग लगने की घटना से लाखों का नुकसान हुआ। पहली घटना, देर रात भारत माता चौराहे के पास बस डिपो में दो लाल बसों में आग लगने से वो खाक हो गई। दूसरी घटना चूना भट्टी चौराहे पर हुई। यहां करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन जल गए। वहीं तीसरी घटना गोविंदपुरा में दो दिन पहले जिस गुटखा फैक्ट्री के कार्यालय को ईओडब्ल्यू ने छापा मारकर सीलबंद किया था, वो भी पूरा जल गया। जानकारी के अनुसार तीनों ही स्थानों पर अलग अलग संदिग्ध कारणों से आग लगना बताई जा रही है। देर रात फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, तब तक आग से तीनों ही जगह सब कुछ जल चुका था। इधर चूना भट्टी इलाके में दोपहिया वाहनों के आग लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने सुबह चक्का जाम कर दिया। रहवासी एसडीएम को मौके पर बुलवाने की मांग पर अड़े रहे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस चक्का जाम खुलवा पाई। पुलिस चूना भट्टी में जिस स्थान पर घटना हुई वहां के सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों बसों में एक साथ आग लगना संदेह पैदा कर रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को तीन गुटखा कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इसमें इन तीनों गुटखा कंपनियों के कारखानों में 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का मिलावटी सामग्री और गुटखा बनाने की मशीनें बरामद की गई। 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी पता चला था। बाल मजदूरी कराने की बात भी सामने आई थी। अब इसी में से एक के कार्यालय में आग लगने की घटना भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग से कार्यालय में रखे सभी दस्तावेज जल गए हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, या कुछ छुपाने के लिए एक जैसी कई घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।